नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हम सफर टेक में। मैं हूं आपका दोस्त नवीन। और दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की ऐप, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आज बताऊंगा कि कैसे आप लोग जो है ट्रेन का कोई सा भी टिकट, जैसे हम लोग जनरल में सफ़र करते हैं, रिजर्वेशन का टिकट तो हर कोई आपको बताता है वीडियोस में, और बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होगी। लेकिन मान लो कि आपको 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर या 100 किलोमीटर आपको सफ़र करना है जनरल से, तो आपको बहुत लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है आपको। तो बताऊंगा इस वीडियो में कैसे अपने फ़ोन से, मोबाइल फ़ोन से कैसे आप टिकट करा सकते हैं, तो वीडियो को पूरी देखिएगा दोस्तों। तो मेरे पास एक ऐप है, इसका नाम है UTS। इसका मैं जो है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा वीडियो के। अब आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में कैसे देखना है वो मैं आपको बता देता हूं। आपको यहां पे प्रेस करना है। जब आप यहाँ प्रेस करेंगे तो इस तरीके से मैं आपको एक लिंक दूंगा। लेकिन ठहरिए, रुकिए दोस्तों, यहाँ पे आपको डायरेक्टली इसको डाउनलोड नहीं करना है। इसको पहले वीडियो पूरी देखनी है, उसके बाद आपको इसके इस पर क्लिक करना है और इसको डाउनलोड करना है। तो दोस्तों सबसे पहले वीडियो को पूरी देखिएगा। अब चलते हैं, बात करते हैं इस टॉपिक पे, UTS ऐप कैसे काम करती है। अब मान लीजिए मुझे जाना है गुड़गांव से दिल्ली, तो मुझे सबसे पहले बुक टिकट पे क्लिक करना है। और बुक टिकट जैसे मैं करूँगा और यहाँ पे नॉर्मल बुकिंग जाऊँगा, तो नॉर्मल बुकिंग में यहाँ पे मैं पहला ऑप्शन चूज कर लूँगा बुक एंड ट्रैवल पेपरलेस, कि मेरे को कोई भी पेपर नहीं मिलेगा और मेरे मोबाइल की टिकट जो है चल जाएगी। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है बुक एंड प्रिंट पेपर वाला, तो मुझे सिंपल जो है पेपरलेस करना है, क्योंकि मैं मोबाइल से कर रहा हूँ, तो मैं इसमें क्लिक कर दूँगा। और गुड़गांव से जो है तो मैंने अपना स्टेशन कहाँ से कहाँ जाना है तो वो फिल कर लिया है, और यहाँ से इसको डन कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स इस तरीके से नज़र आएगी। अगर आप अडल्ट हैं, बड़े हैं, तो यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए कितने हैं, और अगर छोटे बच्चे हैं तो कितने हैं, यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं अकेला हूँ तो मैं इसको सेम टू सेम एक रहने देता हूँ। और यहाँ पे टिकट टाइप जो है जनरल, ये जन जो है जनरी वन जो है, और दूसरा है यहाँ पे ट्रेन टाइप, ठीक है, तो ऑर्डिनरी, या फिर आप यहाँ से उसको किस में आपको जाना है, ऑर्डिनरी में, मेल एक्सप्रेस में, या सुपर फास्ट एक्सप्रेस में। तो तीनों का डिफरेंस ये है दोस्तों कि तीनों की टिकट में फ़र्क होता है प्राइस का। अब देखिए ऑर्डिनरी का अगर मैं चेक करूँ तो यहाँ पे मैं अगर ओके कर लेता हूँ तो यहाँ पे आप 10 रुपये देख सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे बैक जाऊँ दोबारा से और मैं यहाँ से जो है मेल एक्सप्रेस का करूं, तो इसका चार्ज 30 रुपीज़ है। तो आपको सबसे पहले देखना है कि आपको ट्रेन कौन से ट्रेन में जाना है, तो उसको आपको ध्यान रखना है ताकि TT जो है आपको आप पे फाइन ना करे और आपको परेशान ना करे। दोस्तों यहां से मान लो मुझे एक्सप्रेस से जाना है, तो यहां से बुक टिकट पे क्लिक कर लूँगा। अब दोस्तों यहाँ पे बुक टिकट पे क्लिक करने के बाद आप उसके पास सबसे पहले ऐसा इस तरीके से नज़र आएगा, तो आपको सबसे पहले जो है रजिस्टर करना होगा। मैंने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है, तो आप जब रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको मोबाइल नंबर और आपका जो नाम और पासवर्ड बनाना है, और जनरल डेट ऑफ बर्थ, और इसको एक्सेप्ट यहाँ से करना है यहाँ से, और इसको जनरेट OTP करना है। जब आप OTP करेंगे तो आपके पास एक वन टाइम पासवर्ड आपके फ़ोन में आएगा, वो आपको फिल करना है और आपका अकाउंट जनरेट हो जाएगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है, डायरेक्टली यहां से इसको लॉगिन कर लेना है यूजर नेम और पासवर्ड डाल के। तो यहां से मैं इसको डायरेक्टली लॉगिन कर लेता हूं, और लॉगिन करने के बाद देखिए कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस नज़र आएगा, और यहाँ पे आपको जो है बुक टिकट क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे रिचार्ज रेलवे वॉलेट, अगर आपके पास जो है रेलवे वॉलेट आप यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ से पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं नहीं कर रहा हूँ तो, अगर आप भी नहीं कर रहे तो सेकेंड वाला जो है अदर पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक कर सकें। यहाँ पे दोस्तों ये दिखा रहे हैं नाउ यू कैन पेमेंट, तो मैं यहाँ से ओके कर लेता हूँ, ठीक है, दोबारा से ओके किया, और ये पेमेंट जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू चल रहा है। थोड़ा ये अंडर प्रोसेस में है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा हमें, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से ये बफरिंग करेगा, और बफरिंग करने के बाद एक नया विंडो आपके पास खुल के आ जाएगा, तो वेट कर लेते हैं। गाइज आप देख सकते हैं कि पेमेंट गेटवे खुल चुका है। अब मान लीजिए आपको जो है पेटीएम से करना है, तो आप पेटीएम वॉलेट पे क्लिक करके डायरेक्टली यहां से आपको क्लिक करना है, तो आप यहां पे मेक पेमेंट करेंगे तो ये आपका पेमेंट हो जाएगा इजीली। और अगर आप यहां पे फ्री रिचार्ज करते हैं तो फ्री रिचार्ज से इजीली आप कर सकते हैं, और मोबीक्विक तो वहाँ से कर सकते हैं। पेटीएम आज के टाइम में बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं दोस्तों, तो इजीली मैं आपको बताऊँगा कि पेटीएम से आप इजीली यूज करो उसको, तो
आराम से आपकी टिकट हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको जो है दोस्तों टिकट करनी है। तो कैसे आपको ये वीडियो लगा प्लीज़ हमें बताएं, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ दोस्तों आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। सो थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।